इट्स द टाइम टू डिस्को। 2019 खत्म हो रहा है, हमारे साथ अमित भी हैं और रेखा भी हैं। मतलब 2019 अभी खत्म हो रहा है, अभी आने वाला है, अभी टाइम है और आप अभी से पार्टी मोड में आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पार्टी मोड में तो इमरती अभी आई हैं, लेकिन इस साल आपको याद है एक और पार्टी बहुत चर्चा में रही थी, जहाँ कुछ 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 हुआ था। क्या हुआ था याद है? वो कुछ डोप शो पह रहे थे हनी सिंह के गाने से, हमें याद है कुछ डोप शो पह रहे थे। डोप शो तो था, पार्टी दरअसल हुई थी करण जौहर के घर पर। विकी कौशल, रणबीर कपूर, बहुत सारे सितारे थे। उस पार्टी की कुछ तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों पर कुछ एक्सपर्ट कमेंट दीजिए। हमें तो मतलब हम तो बार बार विक्की कौशल को देख रहे थे, बाकी नशीली आंखें देख रहे थे, पता नहीं कहाँ हो रहा हो। तो भाई देखिए, आमतौर पर ऐसी पार्टी की वीडियोज और तस्वीरें सामने नहीं आती हैं, लेकिन वो वीडियो खुद जो लोग पार्टी में मौजूद थे, वहाँ दीपिका थी, रणबीर कपूर थे, ये विकी कौशल थे, जिनकी सबसे ज़्यादा लोगों ने चर्चा की। और चर्चा इसलिए हुई कि लोगों ने बहुत आरोप लगाया उस वीडियो को देखने के बाद कि इन्होंने कुछ लिया है। अब क्या लिया है ये तो इमरती देवी आपको पता है, हम नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे आरोप लगाए गए थे, हम आपको बता दें, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ना इमरती कुछ कह रही है। अब क्योंकि साल का अंत है, साल भर की बकैती हमको करनी है, तो बताना तो ज़रूरी है इस पार्टी के बारे में, तो हमने बता दिया। वैसे हमने कुछ देखा नहीं, हमने कुछ सुना नहीं, ना ही इमरती ने सुना था। हमने तो बस विकी कौशल की नशीली आंखें देखी थी और कुछ मुझे तो ऐसा लगता है कि उस वीडियो पर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि अब लोग डर गए हैं, पार्टी के अंदर की वीडियोज ही नहीं आ रही हैं। वैसे देखा तो रेखा ने बच्चन साहब को भी था, और जब देखा था तो क्या हुआ था? मतलब हम तो सबसे पहले यही बात से खुश हो गए कि रेखा ने अमिताभ को देखा। सच्ची, हम तो नहीं तरस जा रहे थे, पुरानी पिक्चरें देखते थे। आपका ही तरस जा रही थी? देखते ही नहीं थे दोनों एक दूसरे को, हम देखते थे पार्टियों में भी ऐसे आसपास से निकल जाते थे। आपको क्या दिक्कत हो रही थी, आसपास से निकले या दूर दूर से निकले? जोड़ी अच्छी थी उनकी, पिक्चरों में अच्छे लग रहे थे, सिलसिला में कितने अच्छे लगे दोनों, नीलो आसमान। ये बोलिए कि आपको बकैती करने के लिए जो है ना माल नहीं मिल रहा। अच्छा, हुआ क्या था? जब जिक्र हो गया तो आपको ये बता दें कि वो कैलेंडर लॉन्च था डब्बू रत्नानी का, जहाँ रेखा गई और वो फोटोज क्लिक करा रही थी। अचानक उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और वहाँ पर अमिताभ की फोटो लगी हुई थी, और वो जो क्लिप था, कुछ सेकंड का क्लिप था, वो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। लोगों को बहुत पसंद आया था क्योंकि साथ तो दोनों नजर आते नहीं है, तो चलो फोटो ही सही, कम से कम एक फ्रेम में तो दोनों आ गए। वैसे मुझे ऐसा लगता है रेखा चाहती तो अवॉइड भी कर सकती थी, बच्चन साहब कई जगह देखते हो, रेखा को पता था कि फोटो खींची जा रही है, पीछे मुड़ रही हूँ, अगर चौंकूंगी तो बातें बनेंगी, वीडियोस बनेंगे, वायरल होंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि रेखा को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और रेखा अक्सर पहले भी इशारे देती रहती थी, हालांकि दोनों ने कभी अपने अफेयर की बात को माना नहीं है, लेकिन इशारे रेखा हमेशा देती रहती थी, और इससे तो काफी इशारा मिल गया होगा आपको। हमें तो लगता है रेखा ना बड़े ही मतलब इन सब से ऊपर है, वे कर लेती है जो उनको मन करते हुए, मतलब उनको मन करो ना पीछे मुड़ के देख लें तो देख ले, क्या होगा, हमें अच्छे लग गए। देखिए, उन्होंने जानबूझकर देखा हो या अनजाने में देखा हो, लेकिन फैंस का जो दिल था ना वो एकदम बाग बाग हो गया वो वीडियो देखकर। और किस चीज से फैंस का दिल बाग बाग हुआ इस साल की, कोई और बकैती भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि बाग बाग हुआ या ना हुआ हो, मैं पंगेबाज हीरोइन का जिक्र करना चाहती हूँ, जिन्होंने जिनकी जब फिल्म आई, पहली उनकी फिल्म डायरेक्शन उन्होंने किया मणिकर्णिका में, और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, सबसे पहले डायरेक्टर से झगड़ा हुआ, डायरेक्टर फिल्म से आउट हो गए, बेसिकली आउट कर दिया, उसके बाद वो एक्टर से झगड़ा हुआ, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए, फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि कंट्रोवर्सी का असर फिल्म पर हुआ, फिल्म उनकी चल गई। बहुत सारी चीज़ों को लेकर करण जौहर से उनका झगड़ा हो चुका है। ट्विटर पे आपके वीडियोस देखती होंगी मुझे लगता है। मटी देवी थोड़ी किसी से डरती है, आ जा कोई भी, कुछ कुछ बोलिए। हम तो जो कह रहे हैं, अभी पिक्चर आई थी वे सांड की आंख, बामे ही बासे लड़ ली, कौन है बे हमारी मौड़ी बे तापसी पुन्नू, बिस्से भी लड़ ली, बाकी बहन भी लड़ ली, नहीं अच्छो है, क्रांतिकारी होना चाहिए, लेकिन इतने एक लड़ाई झगड़ा अच्छो नहीं है, हम तो जे कहेंगे। लेकिन बहुत तापसी ने बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया था, तापसी ने बोला अगर कोई मुझे कंगना की कॉपी कहे तो मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कंगना एक्टिंग के मामले में तो दमदार है। अच्छा, जब ये बार बार लड़ती हैं तो क्या लगता है आपको, मतलब कुछ कहने का मन करता है इनसे? तुम लोग टीवी में काम करते हो भाई, क्या बोलते हैं भाई, टी आर पी, टी आर पी,
PR. So, का है कि जब कहीं कुछ ऐसा हो कि भैया हमें कोई पूछ नहीं रहा हो का करें का करें तो लेके कर दो ट्वीट का है TRP में तो बने रहेंगे। उसके बाद भी जजमेंटल है क्या इनकी फिल्म जो है वो कुछ खास चल नहीं पाई भाई में तो लड़ गई थी लोग जजमेंटल हो गए उसे मीडिया से ही लड़ गई थी। बताओ अभी इमरती देवी वहाँ थी नहीं तो आपसे भी लड़ जाती ना हमारे सामने तो वे चुप रह जाती लेकिन देखिए अब वो पंगा लेने आ रही हैं एक बार फिर आपसे भी ले सकती हैं तो थोड़ा संभल कर बोलिएगा तो जल्दी आने वाली हैं पंगा लेने के लिए। अच्छा वैसे इमरती देवी आपको पता है इस साल जो है ना आपके लिए खुशी की खुशखबरी है ये कि रणबीर कपूर इस साल भी एक हीरोइन को नचाते रहे शादी करूंगा सगाई करूंगा शादी करूंगा सगाई करूंगा रूठ रहे हैं मना रहे हैं और कुछ नहीं हो पाऊँ कुछ और हमारे पास तो एक ने हमको कार्ड भी भेज दो तो कि भैया शादी है रही है जोधपुर में है रही बाद में पता चलो बेहू फेंक निकलो। अभी क्रिसमस पर लंच के लिए साथ लेकर गए थे जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है हमें तो याद है दीपिका भी मिली थी बाकी परिवार बात वैसे हम बता कटरीना भी मिली बात रणबीर आलिया की हो रही है पूरा साल खबरें आती रही कि मम्मी जी को पसंद है और सगाई हो जाएगी कार्ड भी आ गया और जो है साथ दिख भी रहे हैं लेकिन रणबीर कपूर ने हर साल की तरह इस साल भी शादी नहीं की। दीपिका के साथ थे तब भी ये खबरें आती थी कटरीना के साथ थे तब भी ये खबरें आती थी मुझे लगता कहीं ना कहीं रणबीर ना मम्मी पापा के आगे जिद करने लग जाते होंगे नहीं मम्मी आप भी मेरी गर्लफ्रेंड को ना एकदम ऐसा कह दीजिए कि हाँ शादी करेंगे सगाई करेंगे ताकि गर्लफ्रेंड जो है वो बनी रहे। अब अगले साल शादी होती है नहीं होती ये देखने वाली बात है। उनकी फिल्म भी आने वाली है ब्रह्मास्त्र तो उम्मीद है अगले साल आ जाए उम्मीद है आ जाएगी अभी तक काफी टाइम से टले जा रही है तो उम्मीद है कि रणबीर की शादी तो अगले साल होगी नहीं होगी पता नहीं लेकिन फिल्म जरूर आ जाए। क्यों डर रहे हैं आ जाए तो अच्छा है नहीं 2020 में भी बकैती के लिए तैयार हैं एकदम तैयार हैं और जे हम आओ 2019 को आखिरी वीडियो है कासे सब जा में बता दी है कंपाइल करके कि जे 2019 में काका भाव और ये भी बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में कि आप इमरती देवी से और हमसे आगे कौन कौन सी बकैती सुनना चाहते हैं किसके बारे में अंदर की खबरें जानना चाहते हैं। इमरती देवी के बहुत सोर्सेज हैं अंदर तक सबको जानती हैं हर जगह जहाँ रसोइये और जो मतलब ड्राइवर माली होते हैं ना वो इमरती देवी के बहुत खास होते हैं तो इमरती देवी उनसे खूब खबरें निकाल के लाती हैं तो अभी के लिए एकदम हैप्पी न्यू ईयर बोल दो जरा अपने साथ हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं साथ में बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छी अच्छी बकैती लेकर हम इमरती देवी के साथ फिर आएंगे नए साल में और 2020 में भी देखते रहियो बहुत अच्छी बकैती ला रहे हैं। नमस्कार ये है ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।